अचानक सभी को चकमा देकर सुबह सुबह छत्तीसगढ़ पहुंचे राहुल गांधी। फिर जो हुआ उड़े सभी के होश। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव होने में महज 2.5 महीने ही शेष बचे हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ में चुनावी सरगर्मी बढ़ गई है। लगातार कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के दौरे हो रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी तीसरी बार छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं। वे 25 सितंबर को बिलासपुर में एक बड़ी चुनावी सभा लेंगे। वहां वह हितग्राहियों को आवास योजना की 7.5 लाख रुपए वितरित करेंगे। इसके बाद 28 सितंबर को बलौदा बाजार में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे चौथी बार छत्तीसगढ़ आएंगे। खड़गे बलौदा बाजार में किसान न्याय योजना, गोधन योजना, भूमि श्रमिक न्याय योजना, बेरोजगार भत्ता आदि वितरित करेंगे। छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी का ये तीसरा दौरा रहेगा। इसके पहले वो कांग्रेस के 86वें राष्ट्रीय अधिवेशन में नवा रायपुर आए थे। फिर 2 सितंबर को नवा रायपुर के मेला ग्राउंड में युवा सम्मेलन को संबोधित किया था। अब तीसरी बार 25 सितंबर को बिलासपुर आ रहे हैं। वही कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे चौथी बार प्रदेश आ रहे हैं। वो 28 सितंबर को बलौदा बाजार आएंगे। 8 सितंबर को राजनांदगांव जिले के ग्राम ठेकवा में आयोजित भरोसे का सम्मेलन में आए थे। इस दौरान 355 करोड़ 23 लाख रुपए के 1,867 विकास कार्यों के लोकार्पण भूमि पूजन भी किया था। इसके पूर्व जांजगीर चांपा में आयोजित भरोसे का सम्मेलन में आए थे। इससे पहले खड़गे नवा रायपुर में कांग्रेस के 85वें राष्ट्रीय अधिवेशन में शिरकत किया था। जांजगीर चांपा और राजनांदगांव और में उनकी चुनावी सभाएं एससी एसटी और ओबीसी वर्ग को केंद्रित कर कराई गई थी, क्योंकि इन दोनों जगहों पर एसटी एससी वर्ग का अच्छा खासा प्रभुत्व है। अब चौथी बार बलौदा बाजार में भरोसे का सम्मेलन कराने का तैयारी चल रही है। यहां पर भी एसटी एससी और ओबीसी समीकरण पर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसके अलावा 4 अक्टूबर को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का कांकेर दौरा प्रस्तावित है। हालांकि उनका दौरा फाइनल नहीं हुआ है। कांकेर में मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास होगा। दूसरी ओर पंचायती राज और नगरीय निकाय के जनप्रतिनिधियों का सम्मेलन भी होगा। नवा रायपुर के मेला ग्राउंड में 2 सितंबर को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की चुनावी सभा हुई थी। इसमें उन्होंने यूथ कांग्रेस के नेताओं से संवाद कर उनका हौसला अफजाई किया था। सभा में करीब 1.5 से 2 लाख लोगों की भीड़ जुटी थी। हालांकि कांग्रेस ने 4 लाख लोगों की भीड़ जुटने का दावा किया था। इस बार भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को 1 लाख से ज्यादा भीड़ जुटाने का टारगेट मिला है। सभा में 24 से अधिक विधानसभा क्षेत्रों के लोग शामिल होंगे, इसलिए यहां पर बैठने के लिए कई डोम बनाए जा रहे हैं। फिलहाल आप इस खबर के बारे में क्या सोचते और समझते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए। न्यूज डेस्क से प्रिया।